गाइस वेलकम बैक। सो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो कि पूरी तरह से जापानीज अर्बन लेजेंड या जापानीज मिथ्स पे बेस्ड हैं। सो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा डरावनी होने वाली है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पोकेमॉन लिए हैं, पर मैंने सिर्फ 5 पोकेमॉन लिए हैं, मैं ज़्यादा बोलूँगा। और बाय द वे चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले मैं थोड़ा उसमें आ जाता हूँ लिरिक्स में। सो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ डरावने पोकेमॉन्स के बारे में। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस 5 नंबर पे जो पोकेमॉन आता है वो है नाइनटेल। गाइस नाइनटेल्स को हमें बहुत सारी एनिमेज में दिखाया गया है, जैसे नारुतो और पोकेमॉन में भी दिखाया गया है। और गाइस नाइनटेल्स के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं लोग कि ये एक फॉक्स है, अगर मतलब जैसे जैसे इसकी पावर लेवल बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इसकी पूंछ बढ़ती जाती हैं, और अगर इसकी 9 टेल्स हो गई तो इसका मतलब ये बहुत ही पावरफुल अपने पूरे फुल पावर पे है। और बहुत सारी 9 टेल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, पर कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरी होती हैं। कुछ 9 टेल्स इंसानों का रूप लेके छुप छुप के दूसरे इंसानों को खाती हैं। इसके लिए गाइस 9 टेल्स को भी बहुत ही ज़्यादा डरावना माना जाता है। गाइस बढ़ते हैं 4th नंबर की तरफ, और 4th पे जो आता है वो है स्प्रिटॉम्ब। गाइस स्प्रिटॉम्ब जैसे पोकेमॉन वैसे मुझे पहले से ही डरावना लगता है, पर ये बेस्ड है एक स्टोन पे, एक स्टोन जिसमें बहुत सारे मॉन्क्स ने मिलके 108 डीमंस को कुल कैद कर रखा था, जिसके बाद जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात आई तो वहाँ पे उस स्टोन को तोड़ दिया गया। सब ने मना की मत तोड़ो, पर फिर भी इसे तोड़ दिया गया, जिसके बाद वहाँ से वो 108 डीमन की आत्माएं आज़ाद हो गई। और अगर हम स्प्रिटॉम्ब की पोकेडेक्स एंट्री की बात करें तो उस पर भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि इसके अंदर 108 आत्माएं कैद हैं। सो गाइस बढ़ते हैं 3 की तरफ, और 3 पे जो पोकेमॉन आता है वो है फ्रोजलेस। गाइस दरअसल फ्रोजलेस यूकी ओना नाम के एक जैपनीज मिथ या फिर अर्बन लेजेंड कह लो उस पर बेस्ड है, जो कि बर्फीली जगहों पर रहा करती थी, और जो भी उन बर्फ़ के पहाड़ों से गुजरता था वो उसे अपना शिकार बना लेती थी, पर वो कुछ को छोड़ भी देती थी, बस वो उसके मूड पर डिपेंड है। फ्रोजलेस एक औरत थी, मतलब यूकी ओना एक औरत थी जिसकी मतलब वाइट कपड़े पहनी होती थी, और दिखती भी थोड़ी वाइट थी, बहुत ज़्यादा वाइट थी मेरा मतलब। जब भी कोई यात्री वहाँ पर ट्रैवल करके फंस जाता था तो ये उसको अपना शिकार बनाती थी और उसको मार देती थी। गाइस इसकी कहानी बस यहीं तक थी। सो गाइस बढ़ते हैं 2nd पोकेमॉन की तरफ, और वो 2nd पोकेमॉन का नाम है लॉन्गरे। गाइस लॉन्गरे ग्रास और वाटर टाइप का पोकेमॉन है। दरअसल ये बेस्ड है एक जैपनीज क्रिएचर कह लो, उसका नाम है कापा। कापा के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, इसे कप्पा भी कहते हैं कुछ लोग, मैं कापा कहता हूँ। सबकी अलग अलग स्टाइल है, मेरे को नहीं पता इसको क्या कहते हैं सच में। तो कापा कछुए जैसे और इंसान का मिक्सचर होते थे, जो कि आप फोटो देख रहे हो कुछ ऐसे दिखते थे थोड़े वियर्ड से, और इनकी हेड बहुत छोटी होती थी। फिर पर ये इंसान लोग कहते हैं कि ये बच्चों से प्यार करते थे कुछ लोग कहते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि ये इंसानों को मार के उनको खा जाते थे और पानी में ले जाते थे खींच के। और जापान में इनके बारे में आपको बहुत सुनने को मिलेगा, अगर आप जापान कभी गए हो तो बताना मुझे कमेंट्स में। ऐसे मैं तो नहीं गया आज तक कभी, मैं चलो छोड़ो। सो गाइस 1 पोकेमॉन पर पढ़ने से पहले मैं आपको एक डरावनी बात बताना चाहूँगा जो कि मेरे साथ अभी घटी है। गाइस तुम फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस इतना ही कहना था, वही डरावनी बात नहीं थी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था बेसिकली। थोड़ा वो क्या कह सकते हो यार, क्या करूँ, वीडियो लंबी नहीं हो रही ना, मैं 5 ही लेता हूँ हमेशा, बताने क्यों। सो गाइस बढ़ते हैं 1 की तरफ, और 1 पर जो पोकेमॉन आता है वो है मेरवाइल। गाइस ये मेरवाइल जैसा पोकेमॉन मुझे तो बहुत क्यूट लगता है, आप इसे देख सकते हो। इसके पीछे भी एक मुँह होता है जो कि थोड़ा अजीब सा लगता है, और आगे एक इंसान के जैसा मुँह होता है इसका। गाइस ये भी एक जैपनीज अर्बन लेजेंड्स पे बेस्ड है, जिसका नाम है फुटाकुची ओना। जी हाँ सही सुना, फुटाकुची ओना। तो इस औरत के 2 सर होते थे, एक पीछे सर बालों के पीछे छुपा था, और एक शायद आगे नॉर्मल इंसानों जैसा। तो कहते हैं कि इसके पीछे वाला सर इससे बात भी करता था, और उसके मतलब वो इसके बालों को कंट्रोल भी कर सकता था,
और वो इसका मतलब इसका 3 गुना ज़्यादा खाना खाता था, वो बहुत ही ज़्यादा भूखड़ था आई थिंक। पर एक बार क्या हुआ, एक स्टोरी है कि एक किसान ने ना, एक किसान की बीवी थी जिसका नाम था फूटा कूची ऊना। वो किसान जब भी मतलब फसल काट के वहाँ पर रख के जाता था ना, तो उसे सुबह उठ के वो फसल नहीं मिलती थी। एक बार उसने रात में सोचा कि कौन खाता, तो उसने रात में चक के चेक किया और उसने देखा कि उसकी उसकी वाइफ का पीछे एक और मुँह है और वो ऐसे उनसे खा जाती है सोते वक्त ही। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।